सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जब तक हमारा विद्यालय सुचारू रूप से नहीं लग पाता, तब तक हम इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे और आशा करते हैं जो जो आपको पढ़ाया आप बढ़िया तरीके से पढ़ते होंगे। तो एक बार फिर कक्षा 10 और विषय सामाजिक विज्ञान टारगेट 90% प्लस नंबर बनाने का हमारा जो टारगेट है, इस टारगेट के साथ हम सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय चल रहा है इतिहास का स्वर्णिम भारत। काफी लंबा चौड़ा पाठ है क्योंकि काफी लंबे अरसे से पढ़ा रहे हैं। आपको ये फायदा होगा कि छोटी छोटी आपको क्लास दी जा रही है, आप इसको बढ़िया तरीके से जितना पढ़ाया है ना उतना याद कर सकते हो। क्योंकि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलता रहा, 2-3 बार डाउन हो गए और उसके बाद विद्यालय लगा, तो हम बेहतरीन तरीके से इस सामाजिक विज्ञान में 90+ नंबर ले जा सकते हैं। बस आपकी मेहनत, आपका कठोर निश्चय आपके काम आएगा। तो मैं बात करते हैं अगला वंश कौन सा है, गुर्जर प्रतिहार। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़े थे पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश पढ़े थे ना, अब बात आती है गुर्जर प्रतिहार। ये गुर्जर प्रतिहार नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये है गुजरात, ठीक है, और ये राजस्थान। ये गुजरात से, क्योंकि पहले गुजरात को गुर्जर प्रदेश कहा जाता था, गुजरात्रा प्रदेश कहा जाता था, यहां से ये जाते आके राजस्थान में पनपी। कहां पे? राजस्थान में। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इस वंश का नाम क्या हो गया, गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार होता है रक्षा करने वाले, द्वारपालक। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहार। और इसका संस्थापक जो था, इसका संस्थापक था नागभट्ट। कौन सा? नागभट्ट प्रथम था, जिसने 725 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछे तो नागभट्ट प्रथम था। इसने स्थापना कब की थी? 725 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद और ये नागभट्ट प्रथम में क्या, अरब आक्रमण हुए थे इस समय भारत पे, अरब आक्रमणकारियों को रोका था, अरब आक्रमणों को रोका किसने, नागभट्ट प्रथम ने। किसका संस्थापक? गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसके बाद जो शासक था वत्सराज, कौन सा शासक? वत्सराज, इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वत्सराज ने सम्राट की उपाधि धारण की। अब कल हमने पढ़ा था कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ना, उसमें त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी और कन्नौज पर क्या किया, आक्रमण किया इसने, इस वत्सराज ने सम्राट की उपाधि धारण की। और त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रत्यार के बीच, तो गुर्जर प्रत्यार की तरफ से किसने भाग लिया था, सबसे पहले वत्सराज ने किया था। किस पे आक्रमण किया था? कन्नौज पर। उसके बाद जो शासक आता है, वत्सराज के बाद शासक आता है नागभट्ट द्वितीय। कौन सा? नागभट्ट द्वितीय, वो प्रथम था, ये नागभट्ट द्वितीय है। इसने क्या किया, गंगा घाटी पर आक्रमण किया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। 100 साल युद्ध चला था ना, जो 100 साल युद्ध चला था तीनों के बीच, अंतिम रूप से जीते कौन थे, गुर्जर प्रतिहार जीते थे और नागभट्ट सेकंड ने गंगा घाटी पर, इस कन्नौज पर अधिकार कर लिया और राजधानी किसको बना दी, कन्नौज को। राजधानी इसकी क्या होगी, कन्नौज, क्योंकि पहले राजस्थान में रहते थे। अब कन्नौज इतना संपन्नशाली था आर्थिक क्षेत्र से, तो अब कन्नौज को इसमें राजधानी मिली। अब क्या हुआ, एक और शासक आया, कौन सा, एक बार कन्नौज, ये नागभट्ट सेकंड है, वो नागभट्ट सेकंड राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूटों के गोविंद तृतीय से हार जाता है। कल वाले में पढ़ा था ना, इस गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकंड को इनको हरा दिया था, से हार जाता है। नागभट्ट सेकंड राष्ट्रकूटों के गोविंद तृतीय से हार जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो कौन आया, नागभट्ट के बाद आया भोज। कौन आया? भोज सेकंड, या इसको कहते हैं प्रथम आया ये राजा। नागभट्ट सेकंड के बाद कौन आया, भोज प्रथम, जिसको कहते थे मिहिर भोज। मिहिर भोज कहा जाता था, ये सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था,
मिहिर भोज था, जो किस नाम से प्रसिद्ध था? भोज। अजोरा मिहिर भोज। और इसके समय अरब यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान और किसके समय? मिहिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान आया था। ठीक है, तो दोबारा देखो, गुर्जर प्रत्यय वंश का संस्थापक नागभट प्रथम 725 अरब आक्रमणों को रोका। वत्सराज आया, इसने सम्राट की उपाधि डाल के त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया और त्रिकोणीय संघर्ष में कनौज पर आक्रमण किया। फिर आया नागभट सेकंड, गंगा घाटी पर आक्रमण किया और कनौज पर कब्जा कर लिया और राजधानी कौन सी बनाई? कनौज। नागभट सेकंड राष्ट्रकूटों के गोविंद तृतीय से हार जाता है। नागभट सेकंड के बाद कौन आता है? भोज प्रथम, मिहिर भोज, जिसका नाम होता है सबसे प्रतापी शासक होता है और इसके समय अरब यात्री सुलेमान आया था। बात समझ में आ गई होगी यहां तक? कड़ी से कड़ी मैं आपको मिला के बता रहा हूं। इसके बाद एक और शासक आया, महेंद्रपाल। इसके बाद शासक कौन आया? मिहिर भोज के बाद शासक आया महेंद्रपाल। और इस महेंद्रपाल की एक ही खासियत है, इसके दरबार में था एक कवि राजशेखर। कवि राजशेखर, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा? कर्पूर मंजरी। कौन सा ग्रंथ? कर्पूर मंजरी लिखा। बस इतनी ध्यान रखना, महेंद्रपाल आया, महेंद्रपाल का कवि था एक राजशेखर, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा? कर्पूर मंजरी। उसके बाद में आया महीपाल। महीपाल हमने देखा था एक राष्ट्रकूट शासक था। ध्रुव था, कौन सा था राष्ट्रकूट शासक? इंद्र तृतीय से, ये जो महीपाल है। इसके बाद शासक आया महीपाल, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से हारा था। इंद्र तृतीय से बुरी तरह हार गया था। कौन है? महीपाल, महेंद्रपाल, उसके बाद में महीपाल और फिर आता है राज्यपाल। अंतिम शासक कौन सा आता है? राज्यपाल। इसके समय क्या होता है? देखो इसके समय क्या होता है, और भी शासक आते हैं जैसे महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महीपाल, लेकिन अंतिम शासक आता है, जो मेन शासक आता है राज्यपाल। उससे पहले आपको बता दिया महेंद्र द्वितीय, विनयपाल और ये सारे आते हैं, यशपाल वगैरह सब, विजयपाल। लास्ट शासक आता है राज्यपाल। 1013 ईस्वी में इसके समय मोहम्मद गजनवी आक्रमण करते हैं। मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है और ये क्या करता है? डर कर भाग जाता है, डर कर अपना राज्य छोड़कर भाग जाता है, राज्य छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, ये राज्यपाल कायर होता है और 1013 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का जब आक्रमण होता है तो ये यहाँ से भाग जाता है बिना लड़े और अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसलिए जो लोग हैं वो एक कलिंजर का राजा है, कलिंजर के गंड राजा के नेतृत्व में, नाम दिए क्या, कलिंजर के गंड राजा के नेतृत्व में राजपूत राजाओं इसे मार डालते हैं। ठीक है, राजपूत राजा है वो इसे क्या है, मार डालते हैं, क्योंकि कायर है, मार दिया इसको। और इसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठाते। इस तरह ये क्या है, कनौज में गैडवाल राठौड़ वंश का उद्भव होने से ये संख्याएं वो समाप्त हो जाती है। गुर्जर प्रत्यय अरबों को आ गए, तो ध्यान रखना गुर्जर प्रत्यय के बाद कनौज, अभी कमजोर शासक आगे सारे किस पे, कनौज पे, तो कनौज पे कमजोर शासक आगे, इस कारण अब यहाँ पे गहड़वाल वंश है उसकी उत्पत्ति शुरू हो गई। और गुर्जर प्रत्यय पूछे आपसे कि कौन से वंश ने अरबों को भारत आने से रोका था, तो वह गुर्जर प्रत्यय। ये पूरा अभी आपका महेंद्रपाल आया, इसका दरबारी कवि था राजशेखर, ग्रंथ लिखा कर्पूर मंजरी। महीपाल आया, इसको राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से हारना पड़ा था। उसके बाद में छोटे छोटे विनायक पाल, विजय पाल, महेंद्रपाल बहुत सारे आए। मैं ना था राज्यपाल, इसके समय 1013 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, ये डर कर
मैदान छोड़ जाता है, यानी युद्ध करता ही नहीं है, इसकी भीनता स्वीकार कर लेता है। इसलिए लोग और आसपास के राजा मिलकर क्या करते हैं, कालिंदर के गण राजा के नेतृत्व में सारे राजपूत राजा मिलकर इसको मार देते हैं और अगला शासक इसको बनाते हैं, त्रिलोचन पाल को बनाते हैं। अब कनौज कमजोर हो गया तो क्या किया, गहरवाल वंश के जो शासक थे उन्होंने इस पे अधिकार कर लिया और कनौज पर नया वंश चला दिया। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को क्या है कि भारत में प्रवेश करने से रोका था। तो ये आपका पूरा हो गया गुर्जर प्रतिहार। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है दक्षिण भारत का चोल वंश। मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा, बाकी आप अपनी किताब में से पढ़ना। चोल वंश, ठीक है, कहां थे, दक्षिण भारत में थे ये चोल वंश। कौन कौन से थे दक्षिण भारत में, एकदम दक्षिण में, एक तो चोल, एक पांडे और एक चेर। ठीक है, चोल, पांडे और चेर तीन थे प्रमुख रूप से, ये तीन राज्य थे। ठीक है, चेर अथवा इसको क्या कहते थे, केरल कहते थे। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से चोल, पांडे, चेर या केरल वंश है। लेकिन सबसे ताकतवर कौन सा था, चोल वंश। कौन सा, चोल वंश। अब देखो चोल वंश में क्या क्या है, मेन मेन मुख्य बातें देखें। चोल इनकी भाषा कौन सी थी, नंबर एक इनकी जो भाषा थी वो तमिल भाषा थी, क्योंकि आज तमिलनाडु और केरल है ना, तो वहां ज्यादातर कौन सी भाषा चलती थी, तमिल भाषा चलती थी। और तमिल भाषा में क्या लेख लिखे जाते थे, जैसे हमारे उत्तर भारत में हिंदी में लिखे जाते थे संस्कृत में ना, वैसे यहाँ पे जो लेखन होता था वो तमिल भाषा में होता है। एक उदाहरण मिलता है बढ़िया तरीके से, एक ग्रंथ का लेख मिलता है, एक लेखक था तिरुवल्लुवर रचित कुरल। ठीक है, तिरुवल्लुवर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, कुरल, जो किस भाषा में था, तमिल भाषा में। इसका एक अच्छा उदाहरण है, एक शासक आया था करिकाल शासक आया, और करिकाल लगभग 100 ईस्वी के आसपास चोल वंश का एक राजा हुआ, जिसने पुहार या पुगार नगर की स्थापना की, करिकाल शासक आया 100 ईस्वी में, पुहार या पुगार नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। और इसने क्या किया था, सिंहल से युद्ध किया। मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। और कावेरी नदी के किनारे युद्ध बंदियों से, सिंहल से युद्ध किया, जो युद्ध बंदी मिले ना उनको कावेरी पर 100 मील लंबे बांध का निर्माण किया, इनको युद्ध बंदियों को पकड़ लिया और उनसे कावेरी नदी पर 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया, ध्यान रखना। और वह चोलों की जो राजधानी है, इस राजधानी को उसने बदल दिया और ये राजधानी उरुगपुर ले गया, उरुगपुर थी पहले, जिसको कहते हैं कुरियूर से कहा ले गया, कावेरी पत्तनम ले गया, कहा ले गया, कावेरी पत्तनम ले गया। कौन है, करिकाल। उसके बाद में चोल राजा एक विजयालय आया था, यहां आपसे पूछे ना चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय, विजयालय का जो पुत्र था या कह सकते हैं उत्तराधिकारी आदित्य। ठीक है, विजयालय का पुत्र उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 880 से 907 ईस्वी तक इसने राज किया था। इसने एक पल्लव नरेश था, पल्लव वंश था, पल्लव नरेश अपराजित को पराजित कर दिया, देखो पराजित को हराया, नाम उस शासक का क्या था, अपराजित था, और उसको हरा दिया। उसके बाद में देखो आदित्य का पुत्र था प्रांतक, कौन था, आदित्य का पुत्र प्रांतक प्रथम था, इसने पल्लवों की शक्ति को नष्ट कर दिया, पल्लव वंश था, पल्लवों की शक्ति नष्ट की, ठीक है, ये कर दिया। और इसने जो पांडे थे, ये पांडे इनकी राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया, पांड्यों की राजधानी मदुरै या मदुरो पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब देखिए दोबारा, चोल वंश दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में तीन वंश थे, चोल, पांडे, चेर, जिनको केरल के नाम से जाना जाता था। भाषा इन चोलों की क्या थी, तमिल भाषा थी, कोई भी साहित्य लिखा जाता था किस भाषा में लिखा जाता था, तमिल भाषा में लिखा जाता था। उदाहरण एक ग्रंथ है, तिरुवल्लुवर नामक का एक विद्वान था, उसने कुरल नामक तमिल भाषा में ग्रंथ लिखा था।
करिकाल शासक आया 100 ईस्वी में, इसने पुहार पुगार नगर की स्थापना की, सिंहल से युद्ध किया, युद्ध बंदियों से कावेरी नदी पर 100 मील लंबा बांध बनवाया, राजधानी ये उर्गपुर से कावेरी पत्तनम ले गया, विजयालय इसके बाद विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय का पुत्र आदित्य आया 880 से 907 ईस्वी, इसने पल्लव नरेश अपराजित को हरा दिया। आदित्य का पुत्र आया प्रांतक प्रथम, इसने पल्लवों की शक्ति नष्ट कर दी और पांड्यों की जो राजधानी थी कौन सी मदुरे उस पर भी कब्जा कर लिया। तो चोल बहुत शक्तिशाली थे जा रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए साथ साथ में अपनी बुक से पढ़ते रहना क्योंकि मुख्य आपको बताता रहूंगा और फिर जब भी जैसे हमारी विद्यालय लगेगा बढ़िया तरीके से दोबारा पढ़ेंगे। अब शासक आता है मेन मुख्य राज राज प्रथम, एक शासक कौन आता है चोल वंश का राज राज प्रथम आता है 985 से 1013 ईस्वी तक राज करता है। इसने क्या किया मद्रास जो जिसको हम चेन्नई कहते हैं आज मैसूर कर्नाटक में उर्ग ये भी कर्नाटक में सिंहल द्वीप सिंहद्वीप का मतलब उस समय श्रीलंका ठीक है इन पर कब्जा किया था इस इन पर क्या कर लिया कब्जा कर लिया और पूरे दक्षिण भारत पर इसने अधिकार कर लिया। इसने क्या किया तंजोर में भगवान शिव का राज राजेश्वर भगवान शिव का राज राजेश्वर जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं निर्माण करवाया ठीक है। तंजोर में शिव का राज राजेश्वर मंदिर निर्माण करवाया और इसका पुत्र आया था राजेंद्र प्रथम। पुत्र कौन था राजेंद्र प्रथम जो 1016 से 1044 ईस्वी तक राज करता है ठीक है। इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। शक्तिशाली नौसेना का मतलब जानते हो जल सेना जो आज हमारी उसको नौसेना कहते हैं किसको जल सेना को। शक्तिशाली नौसेना थी और इसने क्या किया इस नौसेना की सहायता से पेगु मर्तबान अंडमान जो अंडमान निकोबार है ना द्वीपों को जीता था अंडमान को जीता क्योंकि नौसेना थी जल सेना तो उसकी सहायता से जीत गया। तो पेगु मर्तबान अंडमान को जीता इसने राजेंद्र प्रथम ने और इसने क्या किया जैसे बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इसने बहुत सारी विजय प्राप्त की और गंगे कोंड की उपाधि दान की थी। गंगे कोंड की उपाधि ठीक है बंगाल और ये सारे क्षेत्र जीत लिए थे दक्षिणी कोस्टल ओडिशा ये सारे कलिंग वगैरह ये जीत लिए। अब इसके बाद कौन आया तो इसका पुत्र आया था इसका पुत्र उत्तराधिकारी राजा धीराज इसका पुत्र उत्तराधिकारी अगला कौन आया राजा धीराज 1044 से 54 ये कोप्पम के युद्ध में हार गया। कोप्पम के युद्ध में मारा गया ये कोप्पम का युद्ध हुआ था उसमें वो क्या है मारा गया ध्यान रखना। और चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ युद्ध लड़ा था राजा सोमेश्वर कहां का था चालुक्य राजा सोमेश्वर से इसने युद्ध लड़ा था और ये हार गया ठीक है। तो ये चीजें हैं दोबारा देखो राजराज प्रथम आया था 985 से 1003 ईस्वी मद्रास मैसूर कुरुग सिंहद्वीप पर इसने कब्जा कर पूरे दक्षिण भारत में इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और इसने तंजोर जो तमिलनाडु के अंदर तंजोर में शिव का राज राजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी था राजेंद्र प्रथम जो 1016 से 1044 तक राज करता है। शक्तिशाली नौसेना या जल सेना इसने तैयार की। छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि चोल वंश में किस राजा ने नौसेना तैयार की थी नौसेना थी तो राजेंद्र प्रथम। इसने पेंगु मर्तबान अंडमान को जीता था इसके अलावा बंगाल है उड़ीसा है कलिंग इन सबको जीतने के बाद इसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में इसका पुत्र उत्तर गया राजा धीराज 1044 से 1054 लेकिन चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ कोप्पम के युद्ध में मारा गया था। कौन है ये ठीक है कोप्पम के युद्ध में मारा गया था। इसके बाद में और छोटे छोटे राजा आते हैं ठीक है और भी शासक आते हैं और लास्ट शासक है कुलोत्तुंग राजेंद्र कुलोत्तुंग शासक आते हैं पढ़ लेना कुलोत्तुंग ये शासक आते हैं धीरे धीरे फिर लास्ट में चोलों पर किसका अधिकार हो जाता है
चलो जो मुख्य बातें ये है, और इसके बाद में आगे राजेंद्र कुलोत्तुंग ये सारे आते हैं, छोटे छोटे शासक, इनकी कोई ज्यादा कहानी नहीं है, और लास्ट में इनका अधिकार किसके ऊपर होता है, चालुक्यों का होता है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम चोल प्रशासक।